नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो आपके लिए कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी का जो डब्बा आपके पोर्टल पर खुल के आ चुका है उसका क्या मतलब है, उसको मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, समझिएगा, कुछ हेल्पफुल जानकारी, ज्ञानवर्धक चीजें भी मैं बताते रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी का वो जो बॉक्स आया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन होगा, जब आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा, कोर्स अलॉट होने के बाद आपको मेल करना होता है। मेल इन द सेंस कि सपोज करिए, मान लीजिए आपको कोई भी कोर्स अलॉट हो गया और आप उसको लॉक कराना चाहते हैं। अगर उसको आप लॉक कराना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट एडमिशन कमेटी का जो सेक्शन होगा उसको खोलेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रोफेसर का नंबर, नेम और ईमेल एड्रेस दिया होगा, ठीक है, और उस पर आपको मेल करना होता है या फिर उनसे कॉन्टैक्ट करना होता है। रीजन इसलिए दिया होता है, और उसमें ये भी मैं बता देता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोफेसर होंगे, अलग अलग प्रोफेसर का नाम होगा। यानी मान लीजिए अगर कोई आर्ट फैकल्टी का छात्र होगा, आर्ट फैकल्टी की छात्रा होगी, उसे आर्ट फैकल्टी में पढ़ना होगा, तो आर्ट फैकल्टी के जितने प्रोफेसर हैं कुछ प्रोफेसर का उसमें नाम दिया होगा और उनका जो है मेल आईडी दिया होगा। क्योंकि ये इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली उन्हें मेल करके आप पूछ भी सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें ये भी मैं बता देता हूँ, उसमें एक और मेल आईडी दी रहती है लॉक करने के लिए। यानी आपको जो भी कोर्स अलॉट होगा, चाहे आप सोशल के हो, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, जिसके भी हो, तो आप लोग को एक मेल आईडी दी रहती है, उसको आप पे मेल करना होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अपने कोर्स को लॉक करना चाहते हो कि हाँ हमको जो कोर्स मिल गया हम यही पढ़ना चाहते हैं, तो उसको आप लॉक कर दीजिए, तो आप उसको मेल कर देंगे BHU एडमिनिस्ट्रेशन को लॉक करने के लिए, तो वो आपका जो है कोर्स को लॉक कर देंगे। नहीं तो अपग्रेड पे छोड़ना है तो आप अपग्रेड पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बता ही दिया हूँ लॉक और अपग्रेड वाला क्या सिस्टम है, तो अब फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटे लेवल पे मैं बता देता हूँ कि लॉक ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई 10वां प्रेफरेंस मिल गया और आप 10वां ही पढ़ना चाहते हैं तो उसको लॉक करा दीजिए, नहीं पढ़ना चाहते हैं हम 9वां 8वां पढ़ना चाहते हैं 9th 8th तो उसको अपग्रेड पे छोड़ दीजिए, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है और कोई इशू नहीं है उसमें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो है आपका ईमेल आईडी दी रहेगी प्रोफेसर का, उस पर आपको मेल करना होता है या फिर उनसे कोई दिक्कत होती है तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बस यही है और उसके बारे में और कोई अन्य जानकारी नहीं है, तो इसीलिए होता है। दूसरी चीज मैं आप लोग को बात करना चाहता हूँ, जो आप लोग बच्चों कोर्स अलॉटमेंट के बारे में जानना चाहते थे कि पहला कोर्स अलॉटमेंट कब होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला कोर्स अलॉटमेंट होगा वो आज हो जाएगा। यानी आज 99% है कि आज आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना, यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह काफी ज्यादा चल रहा है BHU में, इवन हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा सा डिले वगैरह हो जाता है, पर काम तेजी से हो रहा है, मैंने आपको बता दिया हूँ। और आप लोग अपना पोर्टल वगैरह चेक करते रहिएगा, आप लोग का कोर्स जल्द से जल्द अलॉट हो जाएगा। जिन्हें भी कोर्स अलॉट होता है तो मुझे बताइएगा एक बार, तो मैं तुरंत उस पर भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तुरंत पेमेंट वगैरह मत करना, तुम्हारे पास टाइम रहेगा, एक दिन दो दिन जितना भी टाइम दिया रहेगा उस पर दिया रहेगा, ठीक है, तो आराम से पेमेंट करना। और ऐसा नहीं है कि तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कोर्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके पास जो डेडलाइन पीरियड होगा उससे एक मिनट पहले भी तुम पेमेंट करोगे तो भी तुम्हारा लेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा किसी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं किया करिए। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करता हूँ कि आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको मैं बता देता हूँ कि आप लोग का जो वेरिफिकेशन होगा वो मेरिट वाइज होगा। यानी कि जिसका हाई मेरिट होगा उसका पहले होगा, उसके बाद धीरे धीरे लो मेरिट वालों को होगा। और ये भी मैं बता देता हूँ, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भैया मेरा 2 कोर्स में कम्प्लीट दिखा रहा है वेरिफिकेशन और 2 में कम्प्लीट नहीं दिखा रहा, तो उसका क्या रीज़न है। तो मैं ये बताता हूँ कि जो आप लोग का कम्प्लीट दिखा रहा होगा ना वो रेगुलर कोर्स वाले में कम्प्लीट दिखा रहा होगा। यानी कोर्स अलॉटमेंट का ये नियम होता है कि जब कोर्स अलॉट करता है BHU तो सबसे पहले आपका रेगुलर कोर्स का अलॉटमेंट होता है, ठीक है, रेगुलर जो सीटें होती हैं उनका अलॉटमेंट होता है, उसके बाद पेड सीट का अलॉटमेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर एफिलेटेड कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, इस तरह होता है। तो इस तरह से आपका जो है कम्प्लीट बढ़ेगा, तो ये होती है। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, धीरे धीरे सब होगा, सबका होगा। और जिनका रिजेक्ट हो गया है तो आप जान लीजिए आपने कुछ गलतियाँ की होंगी, या फॉर्म होगा अगर गलत भरे होंगे, सही भरे होंगे, गलत भरे होंगे, इसलिए जो है आपका रिजेक्ट हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था तो आपने मैंने इन्फॉर्म कर दिया। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन अपडेट सारा मिलते रहेगा। फिलहाल ये साइबर लाइब्रेरी, यहाँ पर आना तो साइकिल वाइकल बहुत चोरी होता है, तो ताला वाला बढ़िया बड़का वाला ताला लेके आना मारने के लिए। बाकी परेशान मत हो, सारा अपडेट मिलता रहेगा, ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नया नया आपको अपडेट बढ़िया से मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपकी जो इच्छा, हर महादेव।